Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are in great health guys. So today's cue card is describe a place you visited where the air was polluted. तो यहाँ पर हमने एक ऐसी जगह के बारे में बताना जहाँ पर हमने विजिट किया था और वहाँ की जो एयर थी बहुत ही पोल्यूटेड थी एंड सबक्यूज आर वे प्लेसेस कि ये जगह कहां पर है is, it, आप इस जगह पर कब विजिट किया था आपने एंडस्ट वाई दॉ नॉट गुड पर हमने रीजन बताना कि एयर इतनी अच्छी क्यों नहीं थी क्यों पोलूटेड थी एंड द लास्ट एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अब द प्लेस और एंड में हमने बताना कि हमें कैसा लगा इस जगह के बारे में सो बिफोर विच आर देंसर गायस प्लीज है मॉडर्न एयर पोल्यूशन हैज बिकमिंग प्रॉब्लम आई एम अ डिवेलर ऑफ़ द कंट्री साइड तो यहाँ पर हमने बताया कि जो मॉडर्न एरिया में जो पोल्यूशन है एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है मैं कंट्री साइड में रहता हूँ आई यूजली डो नॉट एक्सपीरियंस मच पोल्यूशन तो यहाँ पर हमने बताया कि जैसे कि मैं कंट्री साइड रहता हूँ तो वहाँ पर इतना ज़्यादा मैं पोल्यूशन को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर जो पोल्यूशन बहुत ही कम होता है हाउ एवर आई समाइम्स स्पेंड टाइम इन कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट ऑन माई विजिट्स टू सिटीज़ तो यहाँ पर हमने बताया कि कभी कबार जब मैं सिटीज uh, में जाता हूँ तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही खराब होता है कंटेमिनेटेड होता है ख़राब वन सच इंस्टेंस इज़ वर्थ मैशनिंग और यहाँ पर वही इंस्टेंस या वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ टू ईर्यस बैक माई स्कूल ऑर्गेनाइज द वन डे ट्रिप टू एन इंडस्ट्रियल सिटी इन माई होम टाउन तो यहाँ पर हमने कि दो साल पहले मेरे स्कूल ने एक ऑर्गेनाइज़ किया था वन डे ट्रिप एक इंडस्ट्रियल सिटी में जो मेरे होम टाउन में ही है द ट्रिप वॉज टू सी हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी वर्क इन द फैक्ट्रीज तो यहाँ पर हमने बताया कि जो ट्रिप था उसमें उसका जो पर्पस है ये है कि हमें पता लगे कि जो अलग अलग मशीनरी होती है वो फैक्ट्रीज में कैसे वर्क करती हैं कैसे काम करती हैं द एटमोसफेयर कुड हैव बिन बेटर ओवर देयर फॉर मैनी रीजन्स तो यहाँ पर हमने बताया कि जो एटमोसफेयर था वो अच्छा हो सकता था वहाँ पर और उसके बहुत सारे रीजन्स भी हैं फर्स्टली मैनी हैवी व्हीकल्स वर देयर एंड अ साइजल प्रोपोर्शन ऑफ देम वॉज एमिटिंग वेस्ट गैसेज इन टू द एटमोसफेयर थ्रू थे एग्जॉस्ट पाइप्स थी तो यहाँ पर हमने बताया कि वहाँ का इन्वायरमेंट इसलिए ख़राब था क्योंकि बहुत सारे जो हैवी व्हीकल्स थे वहाँ पर चल रहे थे और उनमें से बहुत सारे जो व्हीकल्स थे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल जो गैसेज थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे जनरेट कर रहे थे मोर ओवर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज ओवर देयर हैड मैसिव चिमनीज थ्रोइंग हज़ारडस फ्यूम्स डायरेक्टली इनटू द एयर तो यहाँ पर हमने बताया कि वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री थी जिनमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी चिमनीज लगी थी जिससे कि वो क्या कर रहे थे वो वो फ्यूम्स हज़ारडस मतलब कि बहुत ही डेंजरस फ्यूम्स या गसेज छोड़ रहे थे डायरेक्टली एयर में स्पेंडिंग टाइम एट सच अ प्लेस वॉज अ डॉन्टेड टास्क फॉर मी तो यहाँ पर हमने बताया कि जो मैंने वहाँ पर टाइम स्पेंड किया एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क एक बहुत ही मुश्किल टास्क था मेरे लिए did not feel good after visiting there because after breathing the contaminated air of that place many students स्टूडेंट्स sick तो यहाँ पर हमने बताया कि मेरी जो वहाँ पर जो visit थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो जो सा एयर वहाँ पर हवा थी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब थी contaminated थी और बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जाने के बाद बीमार भी पड़ गए the teacher who accompanied us started coughing तो यहाँ पर हमने बताया कि जो teachers हमारे साथ गई थी वो भी क्या खांसी करनी शुरू कर दी थी उन्होंने अडिशनली सींग द वर्कर्स वर्किंग इन सच एन एरिया लेफ्ट मी इन बैड टेस्ट तो यहाँ पर हमने बताया कि जो वर्कर्स वहाँ पर काम करते इस इन्वायरमेंट में उसको देख के जो सी मेरी विजिट थी एक बहुत ही एक अच्छी मेमोरी नहीं डेवलप हुई उससे लेफ्ट मे इन ए बैड टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपकी जो मेमोरी होती है वो अच्छी नहीं हुई कहीं जहाँ किसी जगह की द इन्वायरमेंट ओवर देयर वॉज इन ह्यूमेन एंड ओनली दोज हैड एक्सीलेंट इम्यूनिटी कुड सर्वाइव ओवर देयर तो यहाँ पर हमने बताया कि जो इन्वायरमेंट था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वही इंसान वहाँ पर सर्वाइव कर सकता था जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी इट इज़ नॉट दैट सोल्यूशन आर नॉट देयर टू रिड्यूस पोल्यूशन तो यहाँ पर हमने बताया कि ऐसा नहीं कि जो इसके सोल्यूशन है वो है नहीं अवेलेबल जिससे हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं बिल्कुल हमारे पास इसके सोल्यूशन अवेलेबल हैं ड्यूट द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर मैनी वेस्ट टू मिनिमाइज कंटेमिनेशन तो यहाँ पर हमने बताया कि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि हम इस कंटेमिनेशन को कम कर सकते हैं बट द एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉलोइंग द लैक लस्टर अप्रोच तो यहाँ पर हमने बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट है एक बहुत ही लीजी अप्रोच से चल रही है बाई फ्रेमिंग स्ट्रेंजन रूल्स एंड रेगुलेशन वी कैन रिड्यूस इन्वायरमेंटल कंडन कंसिडरबली वी नीड टू अचीव दिस एम विद द अनइबिटेड स्पोर्ट ऑफ पीपल फ्राम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ तो यहाँ पर हमने बताया कि अगर गवर्नमेंट स्ट्रेंजन स्टेंजन मीन की रूल्स और रेगुलेशन अपलाई करते हम इस जो इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन को कम कर सकते हैं काफ़ी ज्यादा और इसमें हम सभी लोगों को मिलकर सपोर्ट करनी चाहिए इस चीज़ को ताकि हम जो इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन इसको कम कर सकें तो ये था हमारा आंसर गाइस एंड आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस सो इफ यू लाइक द वीडियो गाइज डोंट फोर गेट टू गिव थम्स अप एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो देन टेक केयर गुड फॉर द प्रेपरेशन एंड थैंक यू गाइज